हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, मेरे मुल्क एक सैलाब आया है जिन्हें बड़ी तबाही मचाई हुई है। इस सैलाब की वजह तो हर चीज महंगी हो गई है। प्याज 300 रुपये किलो हो गया है, टमाटर 500 रुपये किलो हो गया है, 4,000 वाला खेमा 15,000 रुपये का हो गया है। इस तरह सारिया चीज़ों दीमत 5-6 गुना हो गई ने। मेरे पाकिस्तानी भराओ, ये थोड़े वास्ते एक सुनहरी मौका है। जे थोड़े कोल कंबल, खेस, चादर, कोई पाटे पुराने कपड़े अजाफी मौजूद ने, वो तुसी 4-5 गुना वध रेट से बेच सकते हो। ये ना सोचा जे कि सैलाब विच बंदे मर गए ने, मकान ढह गए ने, अरबां का नुकसान हो गया है। जिन्हें भी बंदे मरे ने अल्लाह के हुक्म नाल मरे ने, ये तुहाडा कोई कसूर नहीं। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। छेती छेती अपनी चीजा वध रेट ते बेच लो, वो ना हो अंग्रेज काफर बाहरों चोखिया चोखा समान घल दे ते फिर तुहाडा समान बिके ही ना, क्योंकि अंग्रेज काफर दीआं चीजा दा एक बड़ा वड्डा नुकसान है कि जदों भी उन्हां ते कोई मुसीबत आउंदी है ते उन्हां दीआं चीजा दा रेट अद्धा रह जाता है। तो साड़ियाँ चीज़ा अल्लाह के फजल नाल हाई क्वालिटी दियाँ ने, इन्हां दियाँ कीमतां मुसीबत वेले घर पईआं दियाँ 4-5 गुना वध जांदियाँ ने। लिहाजा तुसी इंसानी हमदर्दी के चक्करां 'च ना पिया जे, इस मौके तो फायदा उठाओ। तो नाले उमरे भी खुले हुए ने, इस कमाई नाल तुसी उमरा भी कर सकते हो। इस लाभ रोज़ रोज़ जे आना, फिर साल बाद ये मौका मिलना जे, हो सकता है उदों तक जिंदगी रवे ना रवे। पहले भी साढ़े पाकिस्तानी भरावान ने बड़ा फायदा उठाया सी, करोना के दिनों में 10 रुपए का मास्क 150 रुपए का दिता सी, ते आज जो बड़े सौखे ने। एक बड़ी अहम ते जरूरी गल ये वे कि सहूलत मेरे पाकिस्तानी भरावान नू सिर्फ पाकिस्तान में दस्तियाब है, क्योंकि इत्थे कोई पूछण वाला नहीं। किसी होर मुल्क में जाके चवल ना मारिया जे, लित्तर बड़े पैणगे, क्योंकि उत्थे आफत नूं आफत समझिया जांदा है, कारोबार नहीं। ऐलान खत्म होया।